दोस्तों, आप लोग अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आए दिन अपने डाइट में किसी न किसी हरी सब्जियों को शामिल करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सहजन की सब्जी या सहजन के पत्तियों के साग को अपने डाइट में शामिल किया है? अगर नहीं किया है तो आज हम आपको सहजन और उसकी पत्तियों के कुछ ऐसे फायदे के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप आज ही से सहजन की सब्जी और सहजन के पत्तियों के साग को अपने डाइट में शामिल करना शुरू कर देंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, समझने के लिए वीडियो सात अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला फायदा, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। हृदय शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, ऐसे में हृदय का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हृदय संबंधित समस्याएं बहुत ही घातक होती हैं जो कई मामलों में मृत्यु का कारण बन सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने हृदय को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में सहजन की पत्तियों को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि सहजन की पत्तियों के फायदे आपके दिल से बैड कोलेस्ट्रॉल के प्रवाह को बचाता है। इन पत्तियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को आसानी से कम करने का काम करती हैं। सहजन के पत्तियों में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन के कारण होने वाली समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं। ऐसे में आप अपने हृदय के स्वास्थ्य के लिए सहजन की पत्तियों को जरूर शामिल करें, किसी भी रूप में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अगला जो फायदा है वो है लिवर के लिए। गलत खानपान और बदलती जीवन शैली का हमारे जीवन पर काफी गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ ही समय में लिवर में कई प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसे में सहजन की फली या सहजन के पत्ते का नियमित रूप से सेवन करने से लिवर की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है, साथ ही यह लिवर में मौजूद विषाक्तता को भी आसानी से दूर करने का काम करता है। इसमें कार्सेटिन नामक फ्लेवोनॉल होता है जो हेपाटोप्रोटेक्टिव की तरह कार्य करता है, जो लीवर में किसी भी तरह से क्षति होने से बचाने का काम करता है। इसके लिए आप अपने लीवर को हमेशा हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनी डाइट में सहजन को शामिल करें। उसके बाद अगला फायदा है एनीमिया के लिए। शरीर में खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है जो एनीमिया का रूप ले लेती है, तो ऐसे में सहजन के छाल या इसकी पत्तियों का सेवन करने से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि सहजन की पत्तियों में एथनोलिक एक्सट्रैक्ट में एंटी एनीमिया गुण मौजूद होते हैं जो हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारने का काम करते हैं, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद मिलती है। इससे अगला जो फायदा है वो है कैंसर के खतरे को कम करता है। कैंसर एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका पूर्णतः इलाज अभी तक संभव नहीं हो सका है, लेकिन सहजन में मौजूद औषधि गुण कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है, क्योंकि सहजन की पत्तियां और सहजन की छाल में एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटी ऑक्सीडेंट और कई अन्य गुण मौजूद होते हैं। ये सभी गुण कैंसर कोशिकाओं और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। ऐसे में अगर आप लाइफ में कैंसर के लक्षणों से बचने चाहते हैं तो आप नियमित रूप से अपने डाइट में सहजन को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो फायदा है वो है आपके हड्डियों के लिए। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं, जिससे लोगों को चलने फिरने और उठने बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की देखभाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो आप अपने हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए सहजन का सेवन कर सकते हैं। सहजन कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत होता है जो हड्डियों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का काम करता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत और स्वस्थ बनी रहती है। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।